देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और मैं हूं आपके साथ कंचन राय। आइए करते हैं रुख खास खबर की ओर। शिक्षक दिवस के महान एवं पावन पर्व पर शिक्षकों का किया गया सम्मान। पेंशनर्स एसोसिएशन जिला इकाई बुरहानपुर के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रोडी बैंक के कार्यालय सनवारा बुरहानपुर में आयोजित कर जहां शिक्षकों का आदर सम्मान पुष्प गुच्छ रुमाल श्रीफल देकर किया गया तथा उन्हें बधाई भी दी गई। इस अवसर पर अताउल्ला खान पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में परिस्थितियों एवं कोविड को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सका, मात्र 6 शिक्षकों को ही सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक यूटी महाजन श्री मोहम्मद जेवा शरीफ, श्रीमती प्रतिभा तुरस्का, श्रीमती ममता ठाकुर, श्रीमती सुनंदा गावंदे, श्रीमती निखत अफरोज एसोसिएशन के सचिव श्री उमेश तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री रामदास सगरे, सह सचिव श्रीमती मंगला दुबे, श्रीमती सरोज ठाकुर, अंजू काटरवार, श्रीमती किरण बोर्डे, श्रीमती ममता कौरव, सुरखा पाटिल, सुरेखा सिंधे, श्री संजय सिंधे रोडी बैंक उपस्थित थे। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम किया आपने? आज शिक्षक दिवस है। आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर जो के शिक्षकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और पावन पर्व के रूप में वो उसको मनाते हैं और उनके लिए बड़ा अहमियत वाला दिन है। शिक्षक जो है हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि समाज की नींव है। और जो शिक्षक है वो पूरे हमारे समाज को शिक्षा देता है, उसने बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाया है और समाज में शिक्षा दी है, समाज को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है। तो ऐसे पर्व पर आज हम शिक्षकों का सम्मान करने जा रहे हैं और जो सीनियर शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इसके अतिरिक्त हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, तो इनको इस अवसर पर इनका हम सम्मान आदर सम्मान करने जा रहे हैं और आदर सम्मान स्वरूप इन्हें जो है पुष्प गुच्छ और चावल श्रीफल से इनका जो है सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन जिला इकाई बुरहानपुर की ओर से किया जा रहा है। आपका नाम? अताउल्ला खान, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन जिला बुरहानपुर जिला इकाई। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।